देखेंगे, विराट कोहली का देखेंगे ना, पसंद है उनका जो माइंडसेट होता है, उन्हें थोड़ा चैलेंज पसंद है, वहां तक ठीक है। लेकिन जो दृश्य दिखे मुझे लगता है शायद दोनों बहुत ही मेच्योर लोग हैं, शायद इस चीज को पीछे जाने देंगे, अब आगे बढ़ेंगे, पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ना बेहतर है। एक चीज देख के बड़ा अच्छा लगा जो हार्टनिंग कह सकते हैं, वो है कि विराट कोहली गौतम गंभीर से बात कर रहे थे, समझा रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं, गौतम गंभीर भी बात कर रहे थे, तो वो होता है जब आप एक हीटेड गेम खेलते हैं उसमें होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात हमको दोनों मैच जो हमें थी कि दोनों बेहतरीन मैच दिखे जी। मुझे लगता है मैच रेफरी आज डेफिनेटली बात कर रहा होगा कि किस फ्रेट को पहले, वही बात चीकू उनको बता रहे हैं विराट कोहली की, नहीं मैंने ऐसा कुछ किया नहीं क्योंकि मैं ऐसे करता ही नहीं, मैं मुझसे हो जाता है वो तो वो जोश है उनका जिस तरह से आज मुझे लगता है मैच अंपायर बुलाएगा, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप इंजॉय करते हो, सब बिग फैंस, सब लोग यंग फैंस सब देख रहे हैं, जोश में होता है, बट आई थिंक एंड ऑफ द डे हाथ में मिलना जी। पैशनेट मैन आउट देयर, लेकिन कमिंग बैक टू द मैच, बहुत सारे मोमेंट्स थे इस मैच में जो थे, जिसने बनाया इस मैच को बहुत सही, और ये हमारे सही है मोमेंट्स। सही है मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय। उन्होंने अपनी जीत को सेलिब्रेट किया विराट ने, और जिस तरीके से उन्होंने हर विकेट को सेलिब्रेट किया, और फिर सारे के सारे ऑडियंस को जो क्राउड आया था वहां पे अपने लिए चीयर करने के लिए बोला, जिस तरीके से पैशन दिखाया, उसी ने बनाया इस मैच को बहुत सही प्रज्ञा। विराट कोहली इसलिए जाने जाते हैं कि वो थोड़े से एंजॉय करते हैं, जो उनकी एनर्जी होती है ना वो अपने टीममेट्स में क्राउड में स्प्रेड करना पसंद करते हैं, और इसी तरीके की क्रिकेट खेलना उन्हें पसंद है। तो शायद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन वो गेम में कभी कभी हो जाती है जब आप थोड़ा सा फाइट करते हैं ना, आपको पता है कि आप अपने घर में हारे हुए हो, सामने वाले के घर में अभी आए हो, और आप बिल्कुल जीत के किनारे खड़े हो, तो मुझे लगता है वो चीज़, और मुझे लगता है थोड़ा सा रहना अगर मदद कर दे, बिरयानी वगैरह भेज दे वहाँ दोनों के रूम में एक दूसरे का नाम लिख के। तो वही ट्रेन, लेकिन आज अनुष्का को बड़ा अच्छा तोहफा दिया, उनका जन्मदिन है, फैफ की वाइफ, उनका भी बर्थडे, तो आज के दिन तो बनता है यार जी। लेकिन फाइनली उनके चेहरे पे मुस्कुराहट। आरसीबी जो लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटिंग से इतना ड्रामा नहीं मिला जहां पे यहां पे मिला। देखिए काइल मेयर्स से भी गर्मा गर्मी हुई और नवीन उल हक से भी हुई, तो हुआ क्या था वहां पे, वो हैंडशेक में कुछ हुआ था शायद, जब मैच चल रहा था शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा तो नहीं होगा कि एक दूसरे से लड़ने के लिए मैदान में गए थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हीट ऑफ द मोमेंट में, कुछ हुआ है जिसकी वजह से शायद जो माइल्स है वो आके बात कर रहे थे, शायद बता रहे थे कि क्या हुआ है, तो फिर शायद वो डिस्कशन हो रहा था उसके बाद शायद ये दृश्य आप ज़्यादा देखना नहीं पसंद करेंगे। सीनियर मोस्ट क्रिकेटर्स हैं, एक मेंटोर एक टीम के और एक एब्सोल्यूट लेजेंड है, शायद यही कहना चाहूंगा कि ये जितना हो सके यही खत्म हो जाना बेहतर होगा, क्योंकि ये लोग ना हर टीम के एक एग्जाम्पल हैं, तो इनको देख के ना बहुत लड़के भारत में आगे बढ़ते हैं खेलते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जितना जल्दी ये सुलह हो जाए बेहतर होगा, और मेरा मानना यही है कि जब तक ये बस तक पहुंचेंगे अपने अपने होटल जाने के लिए तब तक ये वहीं छूट जाएगा। Alright, well, पिछले मैच में भी गौतम गंभीर काफी एनिमेटेड नजर आए, दिस राइवलरी इज ओनली बिल्डिंग, लेकिन उसके साथ आपको बता दें कि इस पूरे के पूरे